स्वागत है तोड़ा, मैं तोड़े नाल इंदरजीत कौर। अगले अगले अद्धे घंटे के दौरान असी तुहानू पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल नाल देश विदेश की हर खबर दे नाल रूबरू करावांगे, पर फटाफट अंदाज दे विच दा शुरुआत करदे आ शॉर्ट एंड शार्प 52 दी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी से अकाली दल का हल्ला बोल, दिल्ली के कनॉट प्लेस दे विच केजरीवाल दे दिल्ली ते पंजाब लई कीते कथित झूठे वादिया की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। दिल्ली तो बीजेपी के मैंबर पार्लीमेंट परवेश वर्मा ते मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया उद्घाटन। बीजेपी का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का पैसा पंजाब ला रही है। तो वो पैसा सीधा केजरीवाल को ही तो जा रहा था, इन्हीं के तो वो ठेकेदार हैं, वहां से पैसा इकट्ठा करके दिल्ली के सारे विधायक और मंत्री पैसा इकट्ठा करके केजरीवाल तक ही तो उनका काम है देना। तो हम तो सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शनी यहाँ लगी है, हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या आपने अभी तक कोई भी ईंट लगाई? इल्जाम मैंने लगाया, मैं तो अब गिन भी नहीं सकता कि ये क्या क्या वादे इसने किए। सर, हमने जो दिल्ली में शीशा दिखाया इनको, मैं ये समझता हूँ इसका जवाब देना चाहिए इनको। ये चाहे इनका 1984 पे इनका इंसाफ की बात थी, दिल्ली को नशा मुक्त करने की थी कि औरतों के ठेके खोल दिया आपने। दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा था कि हम वाईफाई फ्री के दे देंगे, वो कहाँ वाईफाई है हमारे को फुलाना चलने नहीं देता। 67 MLA भैया जिधर मर्जी चलो, तुम्हारा मौज है इस वक्त, लेकिन आप चल नहीं पाते क्योंकि आप काम करने के लिए नहीं आए हैं, आप इल्जामबाजी करने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने हल्के लंबी दे पिंड किलियावाली दे विच लोकां नूं संबोधित किया, अकाली दल नूं दस्या दलित भाईचारे ते गरीबां दी सब तों वड्डी हमदर्दी। खालसा पंथ खत्म नहीं अकाली दल, ये हमेशा ही गुरु साहबान तो लैके अज तक पिछले गए पताले गए दस भाईचारे का मुदाई बने। अब पंजाब असेंबली श्रोमणी अकाली दल के लुधियाना पहुंचे अनिल जोशी ने आम आदमी पार्टी से निशाना लाते हुए कहा कि हाथी के दंद खाण के होर ने दिखाण के होर ने। उन्होंने कहा कि पार्टी के आगुआ नू पॉलिसी पार्टी के सिस्टम अते फंड्स के बारे कोई जानकारी नहीं है, ना ही इन्हों नू टिकटां दी वंड के बारे कुछ पता होंदा है, ते पंजाबी इन्हों के चांसे दे विच नहीं आने वाले। असल च मैं नहीं, मैं सीधा सीधा कहूँगा वो पंजाबी विरोधी आ, उन्होंने कोई भी पंजाबी जिहड़ा लगता, तो पंजाबी लीडर जिन्ने भी सी आम पार्टी दे विच उन्होंने सिर्फ मखौटे बना के रखा इन्होंने, उन्होंने कोई अंदरूनी जिम्मेवारी नहीं गी, कोई उन्होंने पूछा नहीं जाता, कोई उन्होंने दसिया नहीं जाता, सिर्फ विखाने वास्ते आ, जितना हाथी के दंद खाण वास्ते होर तो विखाने वास्ते होर। ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਟਿਕੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। अमृतसर च पिड़े आम आदमी पार्टी के वर्कर टिकटा का किया जा रहा विरोध, आम आदमी पार्टी के वर्कर आदिल महाजन ने कहा कि टिकटा की वंड होई सही आप वर्करा ने की, आदिल महाजन की कुटमार। हालांकि पार्टी के जोनल इंचार्ज गुरविंदर बाजवा ने उन्हों का बचाव किया, इन्ना ही नहीं महाजन ने बाद दे विच कहा कि उन्होंने किसी ने हाथ नहीं चुकया। ने पार्टी ने उ टिकटा दतिया ने जोनल इंचार्ज, मैं 1.5 साल तो इतने जोन का इंचार्ज हाँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं ली, इस करके
जिहड़े ऑब्जर्वर है उन्हां नाल गल करो। 54 ऑब्जर्वर ने पंजाब च ते ओ सारे पेड़ ने, पर पार्टी नूं असल च पंजाब च ओही चला रहे ने जिवें इह साडी जिन्ने जोनल इंचार्ज आ पंजाब च 13 दे 13, साडी कोई पुछगिछ नहीं, असीं सिर्फ नां दे जोनल इंचार्ज आ। उधर आप वर्कर आदिल महाजन ने कहा कि कुछ लोग टिकटा दे लालच दे विच आके अजिहियां गल्लां कर रहे ने, पार्टी दे विच पूरी एकता है। पोस्टर लगा रहा हूँ, पैम्पलेट बांट रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा मुझे पद ओहदा नहीं मिला। ये आम आदमी पार्टी है, इसमें इम्तिहान सभी का होगा। ये दूसरी पार्टियों की तरह ढांचा नहीं है आम आदमी पार्टी का। सुच्चा सिंह छोटे बन्नू पंजाब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के अहदे तो हटाए जाने के बाद उन्होंने हक के आवाजा उठनिया शुरू हो गई ने। गुरदासपुर के हल्का फतेहगढ़ चूड़िया के कस्बे काला अफगाना दे विच वॉलंटियर्स दे वल्लों सुच्चा सिंह छोटेपुर के हक के हाईकमान के खिलाफ रोस मार्च कढ़िया गया। इस मौके सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थकों ने मांग की कि छोटेपुर नूं मुड़ तो पंजाब आपकी कमान दी जाए। पंजाब के जिहड़े वॉलंटियर्स ने जिन्हां दी एमरजेंसी मीटिंग हुई सी, जिहदे च फैसला लिया गया सीगा कि असीं अपना दिल्ली वाले नाल बिल्कुल तोड़ विछोड़ा कर लेना, उन्हां दी असीं लीडरशिप नूं कोई असीं रिकोगनाइज नहीं करते और उन्हां दा असीं मुकम्मल बाइकाट करांगे। उहदे सिलसिले जिन्ना भी साडे कोल प्रचार का मटीरियल है वह सारा इत्थे भी कल कलां और भी होर भी सारे पंजाब च इसे तरह ही साड़िया जा रहा है। उधर पंजाब विच आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि वह सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे जब तक कमेटी अपना फैसला नहीं लेगी। आम आदमी पार्टी में है और किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी करना, कोई उनके बारे में अपनी व्यक्तिगत राय थोपना ये उचित नहीं है और इसीलिए पार्टी ने तय किया है कि हम किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी छोटेपुर जी के संबंध में नहीं करेंगे। उधर सुच्चा सिंह छोटेपुर दे वल्लों केजरीवाल ते लाए गए इल्जामां ते भी संजय सिंह ने सफाई दी है। संजय सिंह ने कहा कि ओ उस वेले सुच्चा सिंह छोटेपुर दे नाल मौजूद सन, अरविंद केजरीवाल ने अजिहा कुछ भी नहीं किया सी। कह रहे हैं उन्हीं की बात को आप सुनिए। जहां तक हम लोग भी बैठे थे गाड़ी में जिस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं, भगवंत मान जी भी थे, मैं भी था, करण जी भी थे वहां पे, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। अब क्या कह रहे हैं छोटेपुर जी वो छोटेपुर जी बताएं। आम आदमी पार्टी जो सुच्चा सिंह छोटेपुर नु कन्वीनर अहदे तो हटाने तो बाद कमसान मचिया होया है, जिससे अकाली दल ते बीजेपी ने आम आदमी पार्टी नु घेरिया है। ਐਸੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮੀਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਆ ਹੁਣ ਵਿਖੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 28 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1984 ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ। हर इलेक्शन के पास जाके केसेस रीओपन होते हैं, इलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट जो भी आए और ये केसेस वहीं पे बंद हो जाते हैं। तो ये कितना गंदा गिमिक है, मैं ये समझता हूँ। ये अब कम से कम ऐसे सेंसिटिव इशू को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਦਲਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ। ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨ ਦਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 30% ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨਗੇਂਦਰ ਪੜਾਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ CBI ਨੇ ਸੌਂਪੀ 7ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ CBI ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਖਤਮ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਅੱਜ GST ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਚ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਾਰੀ। NH5 ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਕਿਨੌੜ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਚੌਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਟਾਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਦਰਾ ਨਦੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰੋਹਤਾਂਗ ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਪਲਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ। ਘਰ ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਹੋਏ ਚੋਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ। ਮੇਰੀ ਈ ਪੁਸਤਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ PWD ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਬਾਦਲਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ। ਰੋਬੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ
सुक्के दे चलते होएगा असर। सरकारी मुलाजमान कार अते टू व्हीलर दे विच मिलेगी भारी छोट। कारा ते 60,000 रुपए तक दी छोट, ता टू व्हीलर ते 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट। केंद्र दे सरकारी मुलाजमान दे लिए खुशखबरी, सरकार ने दित्ती 2 साल तो रुके हुए बोनस देन दी घोषणा। सात सितंबर तो लॉन्च होगा आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस सेकेंड जनरेशन स्मार्ट वॉच भी हो सकती है लॉन्च। सरकारी अनदेखी का मामला आया अंबाला तो सामने। अंबाला कैंट के एक बेहतरीन खिडारी कुली बनने वेले मजबूर। साल 1999 की नैशनल हॉकी प्रतियोगिता के हरियाणा के लिए खेलते हुए तारा सिंह ने किया शानदार प्रदर्शन। हम कुछ कौमांतरी खबर। बोस्निया दे विच जुत्ते बनाने वाली एक कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया दे लई खास जुत्ते तैयार किए ने। कंपनी चाहती है कि मेलेनिया उन्हां दे लई तैयार किए गए जुत्तियां नूं पा के व्हाइट हाउस जा। मैक्सीको का कोलिमा ज्वालामुखी एक बार फिर तो सरगर्म हो गया। ज्वालामुखी तो निकली रात के गैस का गुबार हवा के 2400 मीटर की ऊंचाई से चला गया। फिलहाल आम जनता को किसी तरह का खतरा होने से इनकार किया जा रहा है। साउथ अमेरिकी देश पेरू में सलाना बुल रेस के दौरान बुल लोगों की भीड़ वड़ गया, जिस 9 लोगों को सट्टा लगिया। हादसे के बाद रेस को फिर तो जारी रखा गया। स्पेन की तर्ज से ही पेरू के बुल रेस कानूनी है, हालांकि कई एनजीओ इस बंद करने की मांग कर चुकी हैं। वेटिकन च पोप फ्रांसिस ने फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी के साथ मुलाकात की। मार्क और पोप ने कई मुद्दों पर गलबात की। मार्क ने यह भी बताया कि कैसे दुनिया को जोड़ के गरीबी को कम किया जा सकता है। ब्रिटेन के नॉटिंग हिल कार्निवल के दूजे दिन जश्न का माहौल देखने को मिला। हालांकि हुड़दंग करने से चाकू रखने के इल्जाम 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह फेस्टिवल 1966 तो वेस्ट लंदन के एफ्रो कैरेबियन कल्चर को सैलीब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा है। लैक्मे फैशन के ग्रैंड फिनाले दे विच करीना कपूर खान ने बेबी बंप के नाल रैंप वॉक किया। हौसला अफजाई करन पहुंची करिश्मा कपूर और दीपिका पादुकोण। इंटरनेशनल फिल्म पास के लिए बोल्ड सीन्स दे इंटरनेट लीक नाल विवादा दे विच गई एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने तोड़ी चुप्पी। राधिका ने कहा फिल्म दे सीन्स नहीं हुए लीक, अमेरिका दे विच पहला ही रिलीज हो गई है फिल्म। खबर की मनीये तो शाहिद कपूर संजय लीला पंसाली की फिल्म पद्मावती के लिए फाइनलाइज कर लिया गया। शाहिद इस फिल्म दे विच दीपिका के ऑन स्क्रीन हसबेंड रोल दे विच नजर आएंगे। शाहिद कपूर अपनी बेटी और पत्नी मीरा के साथ हस्पताल तो घर परते। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने शाहिद मीरा को सोशल मीडिया से बधाई दी।